आज हंसी का जादूगर सबको रुला गया। पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा है, रनिरुआ का है नंगा हो गया। जिसका अंदाज, जिसकी मुस्कान, जिसकी अदा जिंदगी को हंसने पर मजबूर कर देती थी, वो हंसी का शहंशाह और वो हंसी का बादशाह इस दुनिया को यूं रुलाते हुए छोड़ेगा, किसी ने सोचा ना था। तुम्हारे घर पे टॉयलेट नहीं बना है? नहीं मास्टर जी, हमारे घर पे दाल चावल बना है। बैंक चोर। और तो सही है। अच्छा अच्छा देखो मौसी दोनों आ गए, गुलाबो सिताबो। कोई राजू को कॉमेडी किंग कहता था, कोई हंसी का जादूगर, तो कोई हंसी का शहंशाह, तो कई जिंदा दिल इंसान जिसने अपनी कॉमेडी से देश को गुदगुदाने पर मजबूर कर दिया। वो राजू श्रीवास्तव 1.5 महीने तक अपनी जिंदगी से यूं ही जंग लड़ते लड़ते चले जाएंगे, किसी ने सोचा ना था। आज हर आंख नम है, आज हर दिल में गम है। राजू को चाहने वाले परिवार वाले नेता से लेकर अभिनेता, हर कोई उनकी बातों को आज याद कर खुद को रोक नहीं पा रहा। जो श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे, वे एक अच्छे कलाकार थे, जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। हर दिन हर पल हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा था कि राजू श्रीवास्तव एक दिन आंखें खोलेंगे, होश में आएंगे और फिर से गजोधर बनकर सबको हंसाएंगे। लेकिन हंसी का बादशाह हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज है तो सिर्फ देश के सबसे फेवरेट गजोधर की यादें। इतने में साहब ने बॉल ली, बॉल फेंक दिया। गो 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 गेट इट गो। क्या हो गया? दरअसल राजू जिम में वर्कआउट कर रहे थे, अचानक गिरते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। इलाज के दौरान पता चला कि उनका ब्रेन डैमेज हो गया है। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 अगस्त को एम्स में भर्ती करवाने के बाद से उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आया। और फिर वो मनहूस खबर आई जो कोई भी सुनना नहीं चाहता था, कि राजू अब नहीं हंसाएंगे। सबको हंसाने वाला आज सबको यूं रुलाएगा, किसी ने सोचा भी ना था। राजू श्रीवास्तव सिर्फ अभिनय और कॉमेडी ही नहीं बल्कि राजनीति में भी उतरे। उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। 2014 में उन्हें कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए। राजू श्रीवास्तव को साल 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यशवारती से सम्मानित रहे। आपको ये भी बता दें कि उन्हें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से काफी प्यार था और वो उनकी नकल करने में भी माहिर थे। हमेशा अपने फैंस को हंसाना, हमेशा गुदगुदाना और हंसते हंसते अपनी बातों से देश को संदेश दे जाना। यकीनन हर कोई राजू नहीं हो सकता, मगर आज राजू दिलों पर राज करते करते जिंदगी को जीते जीते उसकी जंग को यूं हार गए, ये किसी ने सोचा भी ना था। हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।